नमस्कार, शुभ संध्या। हेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक शुक्ला। दर्शकों, मौसम बदल रहा है। गर्मियों का जाना, मॉनसून का आना, ह्यूमिडिटी यानी कि उमस बढ़ रही है, और ऐसे में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार कमजोर होती चली जाती है और हम कई सारे रोगों के शिकार बनते चले जाते हैं। वैसे तो रोगों के उपचार हेतु कई सारी चिकित्सा पद्धतियां मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे अहम और सबसे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो है भारतीय चिकित्सा पद्धति, यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर चाहे बात आयुर्वेद की हो, यूनानी पद्धति की हो, सिद्ध की हो, या फिर होम्योपैथी की, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों से रोगों का और बीमारियों का जड़ से इलाज संभव है। और इसीलिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय स्थापित किया और बड़े जोर शोर के साथ इन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की क्या है भूमिका और कितना महत्व ये रखती हैं रोगों के उपचार के क्षेत्र में, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। दौर में जीवन शैली में बदलाव सहित ढेर सारे ऐसे कारण हैं जिससे हम सब बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। इन बीमारियों के इलाज में पौराणिक चिकित्सा पद्धतियां अहम भूमिका निभा रही हैं। इन पद्धतियों में आयुर्वेद प्रमुख है। आयुर्वेद प्रणाली को सभी चिकित्सा पद्धतियों की जननी कहा जाता है। इसमें जटिल से जटिल रोगों का भी सफलतापूर्वक निवारण किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा जीवन और प्रकृति के अनूठे जुड़ाव का अनुपम उदाहरण है। प्राकृतिक चिकित्सा रोग से लड़ने में प्रकृति के प्रयासों में मदद करती है। यूनानी पद्धति में बीमारी के समग्र उपचार पर जोर दिया जाता है। नाड़ी की गति की जांच कर उसमें आए बदलावों के आधार पर निदान किया जाता है। पौराणिक चिकित्सा पद्धतियों में सिद्ध का स्थान अहम है। प्राकृतिक खजाने का उपयोग कर जीवन को बेहतर बनाना ही इस पद्धति का उद्देश्य है। बहुत कम समय में होम्योपैथी की लोकप्रियता से ही इस पद्धति के प्रति लोगों के जुड़ाव का आकलन किया जा सकता है। बेहद छोटी और मीठी दिखाई देने वाली गोलियों ने न सिर्फ ढेर सारे रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया है, साथ ही लोगों का दिल भी जीता है। इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को जन सुलभ बनाना ही आयुष मंत्रालय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम सब अपनी जीवन शैली में थोड़ा बहुत बदलाव लाकर जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो देखा दर्शकों आपने, भारतीय चिकित्सा पद्धति कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है रोगों के उपचार के क्षेत्र में। वैसे इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियों में जो सबसे अहम रोल निभाती है वो है आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में बात करें, जब ये मॉनसून का मौसम है और हम कई सारे रोगों का शिकार बनते चले जाते हैं, ऐसे में नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का ज्ञान आपके लिए कितना लाभकारी साबित हो सकता है, इसी विषय पर आधारित है आज का हमारा ये फोन इन लाइव इवनिंग शो। दर्शकों, आपसे मुखातिब कराते हैं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद दो बहुत ही विशेष मेहमानों से। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो एक जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में दूसरी मेहमान के तौर पर आज मौजूद है डॉक्टर रीना अरोरा, आप भी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषज्ञ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम। धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत करेंगे हम हमारे मेहमानों के साथ दर्शकों, लेकिन अगर आपके मन में भी है कोई सवाल या किसी रोग से संबंधित आप परामर्श हमारे आज के विषय विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर जरूर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर 011-2309-7524। आप इस नंबर पर कॉल करके सीधे हमारे एक्सपर्ट्स से गाइडेंस ले सकते हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं डॉक्टर शर्मा आपसे। आयुर्वेद कहते हैं आयु धनवेद, आयुर्वेद द नॉलेज ऑफ लाइफ, कैसे देखते हैं आप, कितना महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए? आयुर्वेद साइंस ऑफ लाइफ है जी, और ये दोषानुसार चिकित्सा है, और इसमें जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोगी के रोगों का शमन करना और स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसका ये है। और इसमें स्वस्थ व्यक्ति के जो लक्षण हैं, सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, सह मलक्रिय,
प्रसन्न आत्मने इंद्रिय स्वस्थस्य इत्यभिधीयते। ये सम दोषों सम अग्नि हो और धातु और मलों की क्रिया सम हो और आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न हो, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है आयुर्वेद मतानुसार। जी जी डॉक्टर शर्मा, मौसम बदल रहा है, ऐसे में निश्चित तौर पर मौसम में परिवर्तन के साथ हमारे बॉडी में भी, हमारे मेटाबॉलिज्म में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं और कैसे इन्हें मैनेज करना चाहिए? परिवर्तन जैसे मौसम बदलता है जी, तो गर्म सर्द का असर शरीर पे आता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है या फिर कुछ भारीपन शरीर में आने लगता है। उसको दूर करने के लिए शरीर में जो खान पान है, आहार, निद्रा और संयम, ये पूरे होने चाहिए। यानी कि खाने पे कंट्रोल और आहार विहार का ध्यान ऋतु अनुसार और हल्की एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, लघु व्यायाम जरूरी है। डॉक्टर अरोरा, आपसे अगर बात करें, जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने कहा आहार विहार, आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथी हो, दोनों में कहा जाता है आपका भोजन ही आपकी दवाई है। कैसे देखती हैं इस मौसम में, खासकर मॉनसून को दृष्टिगत रखते हुए? आयुर्वेद में हर सीजन के अकॉर्डिंगली डाइट मेंशन की हुई है। ऐसे ही मैं सिर्फ आपको वर्षा ऋतु का बताना चाहूंगी कि वर्षा ऋतु में हमें थोड़ा बहुत शहद का सेवन करना चाहिए, क्योंकि क्लेदता बढ़ जाती है बॉडी में भी, तो उससे हमारी बॉडी ठीक रहती है। मूंग साबुत दाल बहुत अच्छी है, इस सीजन में सेवन करनी चाहिए। चने की दाल का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि वायु बढ़ाती है बहुत ज्यादा। इस सीजन में नेचुरली वायु का कोप होता है। तीन दोष होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, वात, पित्त और कफ, वो पर्टिकुलर सीजन में कुपित होते हैं। तो वायु के जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को अर्थराइटिस है या संधिवात है और पेट की प्रॉब्लम्स हैं वायु की वजह से, या अनस्टेबिलिटी है या पार्किंसोनिज्म के टाइप ऑफ डिजीजेज हैं, तो उनको इस सीजन में खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी दर्द दोबारा जाग गई, तो बारिशों में जो दबी हुई पेन्स होती हैं वो दोबारा हो जाती हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वायु कुपित हो जाती है इस सीजन में। तो इसलिए वायु के जो वायु प्रकृति के लोग हैं, जिनकी वायु वैसे बढ़ी हुई है, उनको ये डाइट्स का जो मैंने बताई है पर्टिकुलर ध्यान रखना चाहिए। और हेल्दी रहने के लिए, कि हमें ये वायु का कोप असर नहीं करे, उसके लिए हमें डेली थोड़ी बहुत मसाज कर लेनी चाहिए इस सीजन में। और पंचकर्मा जो आयुर्वेद का एक ट्रीटमेंट शेड्यूल है, वो आयुर्वेद के इस सीजन के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। यानी कि आप एनिमाज ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, आप हेल्दी रहने के लिए भी कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आप करवा सकते हैं। और बाकी जो है आप स्टीम भी थोड़ी बहुत ले सकते हैं और गिलोय का सेवन कर सकते हैं, जिससे वायु से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहे। डॉक्टर अरोरा, इस मौसम में अक्सर ऐसा लगता है कि हमने, बेशक हमने जो है हेल्दी डाइट लिया हो, बावजूद इसके थकान सी महसूस होती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है, इसका क्या कारण है और कैसे आयुर्वेद इसका उपचार या निर्देशित करता है? ये जो आप पूछ रहे हैं, यही सेम एज इट इज हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि आप सोचते हो कि आप इतनी अच्छी रिच डाइट ले रहे हो, उसके बावजूद भी आप लो फील कर रहे हो। उसका कारण यही है कि जो डाइट आपको चाहिए आप वो नहीं ले रहे, या आप सीजन के अकॉर्डिंगली नहीं ले रहे, अपने पेट के अकॉर्डिंगली नहीं ले रहे, अपनी एज के अकॉर्डिंगली नहीं ले रहे। किसी का, अगर मान लो किसी को एसिडिटी होती है बहुत ज़्यादा, सबकी बॉडी एक तरह की नहीं होती है, तो आप अगर वही जंक फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड्स ले रहे हो, बासी खाना ले रहे हो, तो आपकी वो प्रॉब्लम एग्रेवेट होगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली खाना लेना चाहिए। और ऐसे ही अगर किसी की कफ प्रकृति है, बॉडी वेट बढ़ा हुआ है, वाटर टेंशन की प्रॉब्लम है, हैवीनेस लगती है, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट में सौंठ, मरीच, पीपल और लाइट खाने और गर्म चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। ये डिफरेंस है कि इतनी अच्छी डाइट्स लेते हुए भी लोग लो फील करते हैं, क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि किस टाइप का आहार लेना चाहिए, किस सीजन में और अपने पेट के अकॉर्डिंगली। जी जी डॉक्टर अरोरा, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, दिलीप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। दिलीप, पूछिए अपना सवाल। दिलीप, आपको हमारी आवाज आ रही? जी सर। दिलीप पूछिए, आपका सवाल किससे है? सर मेरा बालक है 15 साल का। जी। इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही सर, उसका वजन है 25 kg और उसकी हेल्थ भी उतनी बन नहीं पा रही, तो सर आयुर्वेद में कुछ इसका उपचार सर? दिलीप जी, बच्चे की उम्र बताएं? 15 साल के। 15 साल। डॉक्टर अरोरा, आप बताएं। हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है उसको कोई? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कह रहे ग्रोथ नहीं हो पा रही, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही। उसको आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करता है? बच्चा खेलता है वो? हाँ,
खेलता है दिन भर, वो स्कूल में जो गेम्स होते हैं वो एक्टिविटी में भाग लेता है पूरा। प्रॉपर दाल सब्जी रोटी जो एक पौष्टिक आहार होता है, दूध वगैरह दाल कम खाता है, दाल कम खाता हाँ, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट डाइट जो है ग्रोथ के लिए, प्रोटीन नहीं लेता है, उसको इंक्लूड कीजिए उसकी डाइट्स में, और देसी घी दीजिए उसको, ताकि उसका, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ग्रोइंग बच्चों के लिए देसी घी बहुत जरूरी है। आजकल जो रिफाइंड का ट्रेंड आ गया है, मतलब मदर्स तो डाइटिंग करती हैं, बच्चों के साथ में हो जाती है, तो उस चीज को हमें रोकना चाहिए और एक हेल्दी जो पूरी डाइट है वो लेनी चाहिए। और दूसरा, आपको उसको अश्वगंधा का सेवन करवा सकते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, और लेकिन दालों का सेवन बहुत जरूरी है। जी जी जी। डॉक्टर शर्मा, इस मौसम में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? अगर सुबह उठने से लेकर रात को फिर से पुनः सोने तक की बात करें, दिनचर्या में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए इस मौसम में खासकर? इस मौसम में प्रातःकाल उठना चाहिए जी, और हल्का व्यायाम होना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग बढ़ाना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, रोज गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, और पानी की शुद्धता जरूरी है इसलिए पानी को गर्म करके शुद्ध करना चाहिए, उसी का इस्तेमाल करें, और ठीक टाइम खाना खाएं, ठीक टाइम अपना भोजन लेके थोड़ा वॉकिंग करें जी, क्योंकि घूमने से भोजन का थोड़ा पाचन बढ़ जाता है और वायु विकार नहीं तंग करता जी, इसलिए, और ठीक टाइम सोएं, ये नहीं कि नींद में डिस्टर्ब हो जाए, कम से कम 6-7 घंटे की नींद आवश्यक है, उसी से शरीर एनर्जेटिक बनेगा जी। डॉक्टर अरोरा, अभी आपने अश्वगंधा का जिक्र किया, अश्वगंधा और इसके जैसे कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, अश्वगंधा की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, क्या क्या उपयोग इसके हो सकते हैं और कैसे आयुर्वेद निर्दिष्ट करता है कि इसे रोगों के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? अश्वगंधा एक एचबी भी बढ़ाता है, अगर किसी का एचबी लो रहता है तो अश्वगंधा यूज कर सकते हैं डेली, और अगर किसी को वैसे ही वीकनेस रहती है बॉडी में तो अश्वगंधा खाने से उनको एनर्जेटिक फील होगा। लोग इतनी रिवाइटल्स वगैरह और काफी मल्टी विटामिन वगैरह रखते हैं अपने पास कि उनमें एनर्जी आती है, सिंगल अश्वगंधा इज सफिशिएंट। और उसके अलावा अश्वगंधा जो है हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, इट्स वेरी गुड रिजुविनेटिंग टॉनिक एंड फॉर मेंटेनिंग द वेट आल्सो। अश्वगंधा के अलावा भी कई ऐसी चीजें होती हैं डॉक्टर अरोरा, जैसे कि हम आंवले की बात करें, तुलसी की बात करें, नीम की बात करें, ये सारी ऐसे हर्ब्स हैं जो हमें आमतौर पर बहुत इजीली उपलब्ध हो जाते हैं, कैसे इनका उपयोग किया जाए इस मौसम में, और वैसे भी अगर दैनिक दिनचर्या की बात करें कैसे ये सहायक होते हैं रोगों के निदान के लिए? गिलोय जो है, अब जैसे आजकल अब डेंगू का सीजन आने वाला है जी, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए आप उसको वैसे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको प्रॉब्लम है तभी लीजिए, आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी डेली गिलोय को उबाल के उसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। अगर आपके घर पे लगी हुई है तो आप उसका इतना छोटा सा एक पीस लीजिए और उसको आप चूस सकते हैं ऐसे ही, या फिर गिलोय की टेबलेट्स आती हैं जिनके पास टाइम नहीं है तो गिलोय घनवटी के नाम से ही आती है, उसको एक सुबह एक शाम करके अपनी एज के अकॉर्डिंगली उसकी डोज डॉक्टर से पूछ के वो ले सकते हैं। और जो तुलसी आपने बोला, तुलसी जो है अब जैसे ये रेनी सीजन है, इसमें जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या जिनको स्नीजिंग होती है बहुत ज़्यादा, जरा सी भी बारिश उन पर पड़ जाए, या जिनको कंजेशन रहती है चेस्ट में, तो तुलसी का पानी बॉयल करके पी सकते हैं, या तुलसी के पत्ते बॉयल करके जब वो आधा पानी रह जाए तो उसकी चाय पी सकते हैं, इवन बच्चों को भी हम ये दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तीसरी चीज आपने बोली आंवला, आंवला जो है ये एसिडिटी के लिए एक सिंगल ऐसी ड्रग है जो सफिशिएंट है, इट्स वेरी गुड। और अभी जैसे उन कॉलर ने पूछा था कि वेट बढ़ाने के लिए, तो आंवला इज आल्सो गुड, वो ऐसे आप ले सकते हैं। बाकी बालों के लिए आंवला बहुत अच्छा है, जिनको ग्रेइंग ऑफ हेयर्स या बाल गिरने की प्रॉब्लम आजकल है, तो आंवला आप ग्राइंड करके, ये पाउडर आता है, या उसको फ्रेश आंवला को लेके उसका पैक लगा के सिंपली, और उसको सिंपल पानी से धो सकते हैं। जी जी। वैसे ही डॉक्टर शर्मा, हल्दी की बात करें, हल्दी जो है कई सारे रोगों में, उस रोगों से निदान पाने के लिए यूज की जा सकती है। हल्दी एंटी एलर्जिक होती है जी, और सभी उसमें एलर्जी में काम करती है, और हल्दी का प्रयोग सब्जी में भी किया जाता है, तो हल्दी शुरू से ही इसका प्रयोग एंटीबायोटिक के रूप में आयुर्वेद में हुआ है। और उसके अलावा जो एंटीवायरल हैं उसमें तुलसी और लौंग का प्रयोग आया है, इनका जल पीने से ही वायरल बीमारियों से बचा जा सकता है, ये उबाल के जल में प्रयोग की जाती है।
ये एंटीवायरल होती हैं, और हमारे यहाँ संजीवनी वटी तुलसी के जल से लेने से दो दो गोली वायरल बुखार चला जाता है, 3 दिन में इसका प्रयोग किया जाए। बिल्कुल, ज्वर में हमारी तुलसी का प्रयोग आया है। जी, इसी के साथ ही कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, राज बहादुर दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। राज बहादुर पूछिए अपना सवाल। सर ऐसा है, रात को खाना खाने के बाद मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कोई आयुर्वेद का कोई? भोजन के पश्चात एसिडिटी बहुत होती है, डॉक्टर शर्मा बताए। एसिडिटी ज्यादा बनती है, उसके लिए मसालेदार चीजें और तली हुई चीजों का प्रयोग कम करना होगा, और जल की मात्रा बढ़ानी होगी, और एसिडिटी अगर हो जाती है तो उसमें नारियल पानी या नारियल से बनी चीजें, उसमें पित्त शामक होती हैं। हमारे यहाँ अविपत्तिकर चूर्ण है, वो अमल पित्त रोग में ही है। मधु यष्टि भी, मुलहटी भी पित्त शामक है, उसको 1-1 ग्राम 2 बार गर्म जल से लिया जा सकता है। मुलहटी मुंह में रखने से गला भी ठीक रहेगा और पित्त भी शांत रहेगा। जी डॉक्टर शर्मा, इस मौसम में अगर भोजन की बात करें, क्या मसालेदार भोजन अवॉइड करना चाहिए? कारण और कैसा कैसा भोजन करना चाहिए? इस मौसम में वात और पित्त की अधिकता हो जाती है, इसके कारण ज्यादा चटपटा, ज्यादा चरपरा या खट्टा अमचूर वाला भोजन निषेध होना चाहिए। हल्का और सुपाच्य भोजन वही इसमें सात्म्य होता है। जी, डॉक्टर शर्मा ने अभी हल्दी के गुण बताते हुए कहा कि वो एंटीवायरल है। डॉक्टर अरोरा, इन दिनों बहुत ज्यादा शिकायत मिलती है बच्चों से, जो एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है इस मौसम में बच्चों का, वायरल फीवर, बारिश में भीगना बच्चों को बहुत पसंद होता है। कैसे देखती हैं आप बारिश में भीगना और फिर ये जो वायरल डिजीजेस होती हैं इनको? इस मौसम में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी सफाई का ध्यान रखें। बच्चे जो बारिश में भीगते हैं, ज्यादातर इन्फेक्शन हो जाती है उनको, क्योंकि नेचुरल है वो, गंदा पानी भी होगा उसमें, तो हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसलिए बारिश में भीगना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। जो स्नीजिंग वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है या चेस्ट कंडीशन है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ जाती हैं। और जो पहली बारिश होती है वो, उसमें मिट्टी बहुत होती है, वो ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब जो स्किन डिजीजेज हैं ये सब होने का कारण हो सकती है वो, और इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और जो वायरल आप कह रहे हो, अगर जैसे अब डेंगू का सीज़न आने वाला है और रेनी सीजन आ रहा है, तो इसमें आप बच्चों को डेली तुलसी का पानी दे सकते हो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए। इवन गिलोय रस भी आता है मार्केट में, वो भी आप बच्चों को दे सकते हो प्रिवेंशन के लिए। डॉक्टर शर्मा, अगर फलों की बात करें, इस मौसम में कौन से फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए? फलों को शुद्ध पानी से धो के ही सेवन करना चाहिए, और इसमें सेब और जो मौसम का फल है, खट्टे फल छोड़ के बाकी मीठे फलों का प्रयोग करना चाहिए। जी, और शुद्धता का बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर अरोरा, मसालों की बात करें, जो आमतौर पर हम हमारी सब्जियों में दाल बनाते समय जो है प्रयोग में लाते हैं, आयुर्वेद में कौन से ऐसे मसाले हैं जिनका निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी भी हैं और कई सारे रोगों के उपचार में भी सहायक है? काली मिर्च जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करती है जी। और कुछ लोग जैसे वेट रिड्यूस करने के लिए भी बोलते हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल एंड एक्सेस फैट ऑफ द बॉडी, तो इसको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ऐसे ही जीरा है, जीरा जो है जिनको डायरिया की प्रॉब्लम रहती है या IBS की प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो छाछ में जीरा डाल के ले सकते हैं या ऐसे भी जीरा ले सकते हैं पानी के साथ। कूलिंग प्रॉपर्टी है जीरे की, लैक्टेशन को बढ़ाता है, जो लैक्टेशनल मदर्स हैं उनके दूध को बढ़ाने के लिए जीरा हम एडवाइस करते हैं। हमारे पुश्तैनी सारे गुड़ जीरा वगैरह देते हैं। और ऐसे ही धनिया है, इसमें बहुत अच्छी कूलिंग प्रॉपर्टी है, जिनको गर्मी रहती है, एसिडिटी रहती है, वो धनिया की चटनी या धनिया का पानी वो लोग ले सकते हैं। और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है धनिया, और जिनको पैरों में जलन वगैरह होती है तो वो धनिया का पानी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मोटी इलायची जो है, किसी को नौजिया टाइप, कईयों को लगता है कि मुझे उल्टी आने वाली है, उसको प्रिवेंट करने के लिए और डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए भी मोटी इलायची का पानी, वैसे भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जी, डॉक्टर शर्मा, मानसून आया है, बारिश होगी, पानी इकट्ठा भी होगा। मैडम ने अभी डेंगू का जिक्र किया, कैसे देखते हैं ये जो बीमारियां हैं, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हम जिनको कहते हैं,
मच्छरों से फैलती हैं, मलेरिया हुआ या डेंगी फीवर हुआ या चिकनगुनिया हुआ, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं? इसमें बुखार में जो सिम्टम्स होते हैं जैसे बदन में दर्द होना, संताप होना जी, और सिर में दर्द होना और आलस्य आना, ये इसमें लक्षण होते हैं ज्वर के। किसी किसी में विशेष लक्षण होते हैं, चकते पड़ जाना, अन्य लक्षण भी आते हैं। तो बुखार अलग अलग तरह का है। मलेरिया में शिवरिंग हो जाती है, सर्दी लगने लगती है, बहुत तेज़ सर्दी लगती है, रोगी का अनिच्छा हो जाती है, भोजन में अरुचि हो जाती है और कोई काम करने का मन नहीं करता। तो इस तरह इसको बुखार को उसी हिसाब से डायग्नोज करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जी जी डॉक्टर शर्मा, अगर सिम्टम्स ये दिखाई पड़ते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो कार्य करना चाहिए वो क्या होगा? किसी को भी अगर इन फीवर्स के सिम्टम लग रहे हैं जी, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आप गिलोय घन वटी स्टार्ट कर दीजिए। इवन प्लेटलेट्स नीचे ही नहीं जाएंगे अगर आप गिलोय स्टार्ट कर दोगे जी। और एक और टैबलेट आती है आयुर्वेद में फीवर के लिए, सारे फीवर्स में काम करती है, महासुदर्शन घन वटी या महासुदर्शन चूर्ण। ये आप दोनों चीज़ें कोई भी ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इनके, इन फीवर्स को प्रिवेंट करने के लिए। बाकी अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जोड़ों में दर्द वगैरह भी इसमें हो जाती है, इन फीवर्स में डेंगू में पेन हो जाता है, रैशेज पड़ जाते हैं बॉडी पे, तो वो सिम्टोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अश्वगंधा भी ले सकते हैं क्योंकि एनर्जी बहुत लो हो जाती है पेशेंट्स की। और पेन्स अगर किसी को हैं तो सेनाथ गुगुल एक मेडिसिन आती है, वो ले सकते हैं इसके लिए। जी वाकई ये इस मौसम में दर्शकों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो ये बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ या चिकनगुनिया हुआ, ये मच्छर के काटने से फैलती हैं। क्या क्या सावधानियां आपने रखनी चाहिए आपको दिखा देते हैं, ये सावधानियां बरतें इस मौसम में डेंगू मलेरिया एवं चिकनगुनिया से बचें। इन बीमारियों से बचने के लिए मच्छरों को न पनपने दें। ये मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं। कूलरों को सप्ताह में एक बार सुखाकर दोबारा पानी भरें। यदि पानी निकालना संभव न हो तो एक बड़ा चम्मच टेमेफॉस या कोई और दवाई जो उपलब्ध है वो डालें। पानी की टंकियों, बर्तनों, बाल्टियों, हौदियों को ढक कर रखें। टूटे फूटे बर्तनों एवं टायरों में बरसात का पानी इकट्ठा न होने दें। दर्शकों आपने ये सावधानियां देखी, ये सावधानियां जरूर इस मौसम में बरतें। एक और सावधानी डॉक्टर रीना अरोरा, हाँ जी आप कुछ बोल रहे हैं। एक और सावधानी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि अपने घर में नॉर्मली इस सीजन में नीम का और गुगुल का धूपन कर सकते हैं आप प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे। और जैसे पहले लोग डेली हवन करते थे तो इट्स वेरी गुड एंटीबायोटिक और एंटीवायरल, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरे घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ हो जाता है। तो आप नॉर्मली भी ये डिओड्रेंट वगैरह स्प्रे करने के बजाय अगर आप अपने रूम्स में गूगल का धूपन करेंगे तो वो बहुत अच्छा एक एंटीबायोटिक का काम करता है। जी जी इसी के साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। शुभाकर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, शुभाकर पूछिए सवाल। सर मेरा दीदी को रात को बुखार रहता है, दिन में बुखार नहीं रहता है और उसकी खाना भी बहुत कम खाती है। बुखार रहता है और कम खाना खाती है, उम्र कितनी है उनकी? मैडम मेरी दीदी की उम्र है 30 साल। 30 साल? हाँ। आपका बच्चा? दिन में बुखार नहीं रहता है, रात में बुखार रहता है। हाँ आपका छोटा बच्चा तो नहीं है? हाँ जी मैं 4 साल का जी। 4 साल का? दूध वगैरह तो नहीं पिलाती ना बच्चा, इतना छोटा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ उसके लिए उनके सारे चेकअप वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको इंटरनली? चेकअप किया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे ना उसका इलाज भी किया तो मुझे आराम पड़ता है, बाद में आराम नहीं पड़ता है। अच्छा, उसको आप लगातार गिलोय और अश्वगंधा का सेवन करवाइए, इससे उनको आराम मिलेगा और उसके बाद आप फिर लोकल आसपास कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इससे वो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू मैडम। डॉक्टर अरोरा कहते हैं नेचुरोपैथी में बीमारियों का इलाज नहीं किया जाता, मरीज का इलाज किया जाता है, कैसे देखती हैं? नेचुरोपैथी में एक्चुअली बीमारी होती ही उसका कारण ये माना जाता है। नेचुरोपैथी में 5 महाभूतों का ट्रीटमेंट होता है, 5 महाभूत जो वायु अग्नि पृथ्वी जल और आकाश। आयुर्वेद में भी 5 महाभूत माने जाते हैं, वायु अग्नि पृथ्वी जल और आकाश, और इन्हीं 5 महाभूतों से त्रिदोष बनते हैं, वात पित्त कफ। जब इनमें प्रॉब्लम होती है 5 महाभूतों में तभी डिजीज की पैथोलॉजी तैयार होती है, यानी कि डिजीज उत्पन्न करने की जो बेस है वो तैयार हो जाता है। तो बेसिकली हमें इन 5 महाभूतों को ठीक करना होता है, तो हम पेशेंट को ठीक करते हैं बजाय डिजीज के, यानी कि 5 महाभूत को हमें बैलेंस करना है जो उसमें गड़बड़ हो गई है।
तो उसमें जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो गए हैं नेचुरोपैथी में उनको निकालते हैं, तो इसका मतलब उसकी नेचुरल डिजीज अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरियाज तो हर जगह हैं और हर एक आदमी बीमार नहीं होता। जिसकी इम्यूनिटी लो है, जिसके अंदर पहले से ही टॉक्सिन्स हैं, वही बीमार होगा जी। तो डॉक्टर शर्मा आप क्या कहना चाहेंगे जब बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? हाँ, तो उसमें परहेज प्रिकॉशन ही सबसे बड़ी चीज है जी। और हमारे यहाँ शोधन और शमन चिकित्सा जी, पहले शोधन और फिर दवाइयों द्वारा शमन जी। तो उसी से दोषों का निर्धारण होता है शोधन से, और फिर दवाई रोग को ठीक करने के लिए आसानी से काम दवाई करती है जी। जी डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर अरोरा, आप दोनों ने इतना समय जाहिर किया, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, इतनी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक प्रेषित की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारियां लाभप्रद लगी होंगी, आप सावधानियां बरतेंगे। हमारा संकल्प है, हमारी ये आशा है कि आप सभी समृद्धशाली हो, साथ ही आप सभी जो है स्वस्थ हो, भारत स्वस्थ हो, भारत स्वच्छ हो, इसी संकल्प और इसी आशा के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।